हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने गुजराती टाइपिंग का वो एक वीडियो बनाया था, गुजराती टाइपिंग अर्पिता में कैसे करें। ऐसा वीडियो एक हिंदी में बनाता हूँ। गुजराती में अर्पिता का सेटिंग और हिंदी में अर्पिता का सेटिंग का थोड़ा चेंजेस होता है, तो मैं वो चेंजेस थोड़ा दिखा देता हूँ। ये हिंदी टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग में अलग अलग से फॉन्ट होते हैं। समझो कि सुनील टू है, फिर सुधीर टू है, सूरज टू है, मगर हिंदी टाइपिंग सिंपल है उसकी तरह है। समझो कि गुजराती की तरह ही है। ऐसे हम कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग। को हिंदी टाइपिंग कैसे करना है वो सीखना है तो ये फिर पूरा वीडियो देखे, मैं लास्ट में बता दूँ थोड़ा सा चेंजेस कैसे करना है तो ही हिंदी टाइपिंग होगा, वरना टाइपिंग नहीं होगा। डबल डबल जो टाइपिंग होता है वैसे हटा देने का, और जो पेज मेकर में करोगे तो अच्छा रहेगा, उसमें सब निकालने की ज़रूरत रहती नहीं। देखो ऐसे आपने कर दिया। अब ये लिखता हूँ मैं, रितेश राव। जब भी आप हिंदी या गुजराती टाइपिंग करते हो तो उसमें आपको क्या करना है, कैप्स लॉक ऑफ ही रखने का है। जो आप कैप्स लॉक ऑन करोगे और लिखने जाओगे तो ऐसा लिखेगा, आप नहीं लिख पाओगे। देखते हैं, हो गया। तो आपको कैप्स लॉक ऑफ करना है, ऑफ ही रखने का है, बाद में ही टाइपिंग करना है। थोड़ा चेंजिंग है, ये समझो कि गुजराती कर दिया, बराबर है। और हम लिखेंगे कुछ भी, गुजराती टाइप करेंगे। मारुति, रितेश, गुजराती टाइपिंग किया, बराबर है। इसको आप ऐसे कर सकते हो सीधा। अब हमको करना है हिंदी टाइपिंग, तो ये हिंदी किया। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ टू, कंट्रोल शिफ्ट एफ टू करोगे तो ही होगा। बस इतना ही, गुजराती टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग में इतना ही फर्क है। आप कंट्रोल शिफ्ट एफ टू करके हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, और गुजराती में तो डायरेक्टली आप इधर से गुजराती सिलेक्ट करके आप गुजराती टाइपिंग कर सकते हो। जब भी हिंदी टाइपिंग करना हो तो इधर क्लिक करने का, और दूसरा तो सेम टू है, सेम टू सेम है जो वो पिछले वीडियो में मैंने गुजराती टाइपिंग के वीडियो में बताया था अर्पिता सॉफ्टवेयर में। तो ये सब आप देख लीजिए एक बार, बराबर है। तो हिंदी टाइपिंग में उतना ही फर्क है, दूसरा सब सेम ही रहेगा। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।